तुम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे हैशटैग के साथ शुरुआत करेंगे। जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग एक जिद के साथ पढ़ रहे हैं, वो जिद है बोर्ड के अंदर बहुत ही शानदार स्कोर करने की, वो जिद है कि हमें, हमारे पास अलग अलग प्रकार की जिद है। सबसे गहरी जिद तो ये है, मेहनत करके बोर्ड में 100 out of 100 मार्क्स लेकर के आने। उसके बाद हमें अगर इंजीनियर बनना है तो जेई के एग्जाम को क्लियर करेंगे, डॉक्टर बनना है तो नीट के एग्जाम को क्लियर करेंगे, आर्मी में जाना है तो एनडीए क्लियर करेंगे, एक्सेट्रा। मतलब हमारे गोल ना छोटे नहीं है कि बस बोर्ड में नंबर आ गए बात खत्म। हमारे इस तरह के गोल नहीं है, हमारे गोल थोड़े लंबे हैं, लॉन्ग विजन है। मतलब एक शब्द यूज होता है, आप भविष्य में जब मेहनत करना शुरू करोगे ना, तब आप इस शब्द की अहमियत समझोगे। हैशटैग विजन। विजन का मतलब होता है कि आप कहां तक देख पा रहे हो अपने भविष्य को। मतलब यहां कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जो केवल, जिसका विजन बहुत छोटा हो। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, फिर चैप्टर शुरू करेंगे। विजन बहुत ही छोटा हो, जैसे विजन है कहां तक का है, मार्च 2022 तक का विजन है साहब, 2023, मार्च 2023 तक का विजन है बस। अभी केवल इतना सा विजन है कि बोर्ड पास करना है। क्या हो सकता है एक बच्चे का विजन मार्च 2023 तक के लिए, केवल इतना सा? कि उसको बोर्ड एग्जाम को क्रैक करना है बस। थोड़ा और बड़ा हो सकता है कि बोर्ड में उसको 100 में से 100 नंबर लेके आना है। भाई इससे बड़ा क्या होगा? नहीं, खत्म। एक बच्चे का विजन होता है बड़ा विजन, वो ये सोच के बैठा है कि मेरे को ना बहुत ही शानदार डॉक्टर बनना है यार, मेरा विजन ये है कि मेरे को एक शानदार डॉक्टर बनना है। जिसका विजन ये है, फिर 2023-24 को लेकर के, इस सेशन को लेकर के उसके गोल्स ही अलग होंगे। उसके गोल दो पार्ट में बटे होंगे। वो सोचो आप, मैं सच बोल रहा हूं ना, आप खुद रिलेट करना, आप कौन से बंदे हो। उसका पहला होगा बोर्ड से रिलेटेड, दूसरा उसका होगा उसके एग्जाम नीट से रिलेटेड। डिफरेंस आ गया। मान लो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी एक बच्चे का गोल यूपीएससी, ये जेई वाले के साथ भी सेम रहेगा, अगर डॉक्टर बनना है स्लैश इंजीनियर बनना है तो नीट की जगह आईआईटी होगा, इतना ही तो है। मतलब एग्जाम की बात करें तो जेई होगा, इतना ही तो डिफरेंस आएगा, बाकी पैटर्न तो सेम ही होने वाला है ना। चलो कोई बच्चा यूपीएससी को लेकर के टारगेट कर रहा है, उसके तो गोल ही डिफरेंट होंगे साहब। वो पहले बोर्ड में अपनी पढ़ाई अच्छे से करेगा, फिर तो उसका दिमाग चल रहा होगा ग्रेजुएशन की तरफ कि मुझे एक अच्छी सी ग्रेजुएशन करनी है, उसके साथ साथ मैं अपनी यूपीएससी की तैयारी कैसे करूं, वो उसके बारे में सोच रहा होगा। फिर वो देख रहा होगा कि जब इस तैयारी करूंगा तो मुझे दिन के 18 से 19 घंटे पढ़ना पड़ेगा। वो अपने आप को अभी से उस चीज के लिए तैयार कर रहा होगा। और हाँ, डेफिनेटली इसका एम भी बोर्ड ही है। तो तीन प्रकार के बच्चे हो सकते हैं, और चौथा बच्चा एक और संभव है, अणा मणा कुछ नहीं, कुछ पता नहीं है, एक क्वेश्चन मार्क के साथ अपनी जिंदगी जी रहा है। माँ बाप ने एडमिशन करा दिया, पढ़ने बैठ गए, खत्म। अब आगे जो होगा देखा जाएगा। तो आपको खुद को पहचानना पड़ेगा बॉस कि आप कहाँ हो, और उसके हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी।
आपको अगर लगता है कि एक डॉक्टर अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करता आराम के अलावा, तो मैं आपको एक हकीकत बता दूं, अभी आपके लाइफ में क्या है, 6 घंटे पढ़ते हो आप, ज्यादा से ज्यादा मतलब 4 से 5 घंटे आप ASL पे क्लास अटेंड करते होगे, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं इतनी क्लास हो, है ना, और प्लस में आप 2 से 3 घंटे खुद पढ़ते होगे, मतलब 7 से 8 घंटे निकल के आता है। एक डॉक्टर जब बन जाओगे ना, मान लो सर्जन बन गए, तो 24 आवर्स में से केवल 4 घंटे सोने को मिलेंगे, लगभग 20 घंटे आपको हॉस्पिटल में जॉब करनी पड़ेगी। और कभी कभी ऐसी नौबत भी आ सकती है कि आपको वो 20 घंटे से ज्यादा भी काम करना पड़े और वो आपको 4 घंटे भी सोने के ना मिले। कोरोना में डॉक्टर्स का सिचुएशन कैसी थी आपको अच्छे से पता है, कभी कोई अर्जेंट सर्जरी आ गई, कुछ आ गया, कुछ हो गया, तो बहुत बड़ा पंगा हो सकता है, गई नींद, भूल जाओ सोना, है ना। इंजीनियर बन गए, सेम सिचुएशन है, UPSC क्रैक कर ली, पहली बात तो इतना पढ़ना पड़ता है क्रैक करने के लिए, उसके बाद क्रैक भी कर ली, IAS IPS बन गए आप, फिर 24 आवर्स की जॉब है। जैसे डॉक्टर्स की जॉब भी आप 24 आवर्स ही मान लो यार, अभी भी फोन आ जाता है कि आ जाओ सर केस आ गया आपका, तो आप समझ नहीं रहे हो बातों को, आप किस चीज को टारगेट करना चाह रहे हो, आप जो बनना चाह रहे हो, जब आप वो बन जाओगे, अपने पैशन को फॉलो कर रहे होगे, उस समय आपका दिन क्यों निकल जाएगा। परंतु फिर भी करना है, क्यों, सिंपल है, मजा आता है करने में, लाल बत्ती की गाड़ी में घूमने में मजा आएगा, पेशेंट्स को देखूंगा, उनका इलाज करूंगा, आत्मिक शांति मिलेगी, डॉक्टर कहलाऊंगा, मजा आएगा, ब्रिज बनाऊंगा, कार बनाऊंगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा, इंजीनियर बनूंगा, IITian IITian कहलाऊंगा, मजा आएगा, IAS बनूंगा, IAS बनूंगा, IPS बनूंगा, मजा आएगा। उसी मजे के लिए तो फिर हम लोग इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाते हैं। प्रोफेसर बनूंगा, एक बच्चे ने बोला, अच्छी बात है, मुझे मजा आता है पढ़ाने में, इसलिए मैं पढ़ा लेता हूँ, गला खराब भी, बुखार है, बोला नहीं जा रहा, पढ़ा लेते हैं, क्योंकि चीजें कनेक्टेड हैं आपस में, है ना। तो समझ आ गई बात आप लोगों को, और हमारे भारत में एक ट्रेंड नहीं है वैसे, आ जाए तो बहुत खुशी होगी, एंटरप्रेन्योर का, इन लोगों की लाइफ बहुत अलग होती है, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मैं ये बात बोल सकता हूँ, बहुत मुश्किल होती है लाइफ, वहाँ तो फिर हसल ही हसल है। खैर अभी मैं आपको सेफ जोन में रखना पसंद करूँगा, तो अब देखो यार, देखो आप, इसलिए कहता हूँ मेहनत करना शुरू कर दो, जिस एग्जाम की तैयारी आप करने जा रहे हो ना, वो एग्जाम को छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, अच्छा एग्जाम का, फिर इसी नोट के साथ में इतनी, हाँ इसीलिए इस चैनल का जो हम लोगों ने हैशटैग रखा है ना, वो ये रखा है, जिद करो, क्योंकि जब तक आप जिद नहीं करोगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता।